एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना की रसोई। और आज मैं फिर से आ गई आपके बीच एक नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है कढ़ाई पनीर। वैसे तो रेस्टोरेंट में आपने कढ़ाई पनीर खाया ही होगा, बट क्या कभी आपने घर में ट्राई किया है कढ़ाई पनीर बनाने के लिए? तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई पनीर अपने तरीके से। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए 4 प्याज, 2 अदरक के टुकड़े लिए, इसे मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2 टमाटर, उसका पेस्ट बना लिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और प्याज। इसे मैंने पतला पतला काट लिया है। पनीर के भी छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। मसाले के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ साबुत धनिया, साबुत जीरा, तीन से चार साबुत लाल मिर्च। इन सबको रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर बना लिया। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है 2 बड़े चम्मच का तेल। साथ में जीरा, जब जीरा ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक। जब अदरक हल्का ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब मैं इसमें ऐड करी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं ऐड करी इसमें टमाटर का पेस्ट, 1 से 1.5 नमक, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मसाले को हम अच्छे से भूनते रहेंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई चलाकर हम इसे हल्का सा तेल डालकर सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, साथ में पनीर। पनीर को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, कढ़ाई पनीर के लिए जो मैंने मसाला यूज किया था वो मसाला यूज करें।
अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पे इसे पकाते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आधा कटोरी मलाई। अच्छे से मिलाकर इसे लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। अब कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे गार्निश के लिए मैं यूज कर रही हूँ चीज का। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई पनीर कितना यम्मी लगता है, तो आप इसे घर पे जरूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा कढ़ाई पनीर बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कढ़ाई पनीर बनाने का तरीका कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि मैं और भी नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।